أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم <applause> बरदर नमानी हमारी गुफ्तु का सिलसिला चल रहा है मौजूद गुफ्तु है नमाज और अहकाम नमाज ज़रूरत इस बात की है कि नमाज के मसाइल नमाज की शराइ नमाज के, के वाजबात और इसी तरीके से मुकदमा नमाज़ वजू वज़ु के शरात वजू के वाजबाद गसल के शराइ़ गसल के वाजबात और मस्ते मसाइल से आगाही हासिल की जाए मारफत हासिल की जाए तालीम हासिल की जाए ताकि नमाज को सही तरीके से अंजाम दी जा सके और नमाज को काबिल कबूलियत के मंजिल पर फ़ाइज़ कराने में हम कामयाब हो सके जब तक नमाज कबूल नहीं होगी उस वक्त तक हमारी बाकी इबादतें भी कबूल नहीं होंगी तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि नमाज और नमाज के मसले मसाइल से आशनाई हासिल करें और और नमाज के वजबात और नमाज की शरात के रियायत करते हुए नमाज को पढ़ने की कोशिश करो और इसी तरीके से नमाज के अंदर जितने अज़कार जितने सूरे सूरों की तिलावत की जाती है उनकी करात सही तरीके से और कवायद और कवायद तजवीद की रियायत करते हुए इन तमाम असकार और तमाम सुरों की तिलावत करने की कोशिश करें ताकि बेहतर तरीक़े से नमाज अंजाम पाएँ और नमाज कबूल होगी तो इनशा बाकी इबादत भी कबूल होंगी जिसके नतीजे में दुनिया भी संवर जाएगी और आखिर इनशा सँवर जाएगी हमारी गुफ्तगु हो रही है मुबतला नमाज़ के बारे में और मुबला नमाज़ के बारे में तकरीबन गुफ्तगु मकमल हुई आज कुछ ऐसी बातें जो नमाज में मकर है उसको बयान करेंगे और बाज़ वो सूरतें हैं जिनमें नमाज़ तोड़ी जा सकती है नमाज तोड़ना गुनाह है बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन चंद सूरतें ऐसी हैं जहाँ पर नमाज तोड़ी जा सकती है वो भी बयान करेंगे फरमाते हैं किसी शख़्स का नमाज में अपना चेहरा दाएँ या बाएँ जानब इतना कम मोड़ना कि वो अपने पीछे की जानब मौजूद किसी चीज़ को न देख सके और अपन चेहरे को इतना गुमाएँ कि उससे पीछे की चीज़ें नज़र आ सके तो जैसा कि पहले बयान हो चुका है उसकी नमाज बातिल है मुबलाते नमाज में से है यह भी मकरूह है कि कोई शख्स नमाज में अपनी आँखें बंद करे या दाएँ बाएँ घुमाएँ और अपनी दाढ़ी और हाथों से खेले उंगलियाँ एक दूसरे में दाखिल करे और थूके और कुरान मजीद या किसी और किताब अंगूठी की तहरीर को देखे यह भी मकरू है और इसी तरह ये भी मकरू है कि अलहमदुरा और ज़िक्र पढ़ते वक्त किसी की बात सुने सुनने के लिए खामोश हो जाए बल्कि हर वो काम जो कि ख़ुशु और ख़ुद को ख़त्म करने वाले हैं सब के सब मकर है और मकरूहत हाँ के अंजामदही के आ, के बारे में फरमाते हैं कि उस अमल और उस फ़ैल के सवाब में कमी आ जाती है इसी तरह फरमाते जब इंसान को नींद आ रही हो और उस वक्त भी जब उसने पेशाब और पाखाना रोक रखा हो नमाज पढ़ना मकरू है इस हालत में आ, पहले आ, तो यानी टाइम टेबल के मुताबिक सोए नींद पूरी करें और उसके बाद नमाज में मशगूल हो और यानी नमाज को नींद की गौदगी के हालत में ना पढ़े ये मकरू है और इसी तरह पेशाब करके वज़ू करके यानी बेहतर तरीके से वारिद हो जाए नमाज में और इसी तरीके से पेशाब पाखाना रोक कर अगर कोई इंसान नमाज में मशगूल हो तो नमाज बातिल तो नहीं है लेकिन मकर है जैसे कि अर्ज हुआ उसमें सवाब में जो है कमी आ जाती है और इसी तरह नमाज की हालत में ऐसा मोज़ा पहनना भी मकरू है जो पाओ को दबाए और उसके अलावा दूसरे मकरूहत भी मुफसल किताबों में बयान किए गए हैं ये सारे अफाल वो है जो मकरूहत है जिसकी वजह से नमाज के सवाब में कमी आ जाती है इसी तरह वो सूरतें जिनमें वाजिब नमाज़ें तोड़ी जा सकती है इख्तियारी हालत में वाजिब नमाज का तोड़ना एहतियात वाजिब की बना पर जायज़ नहीं है हालत अख्तियार में नमाज का तोड़ना जायज़ नहीं है और लेकिन माल की हिफाजत और माली या जिस्मानी ज़रर से बचने के लिए नमाज तोड़ने में कोई हरज नहीं है बल्कि वो तमाम दीनी और दुनियावी काम जो नमाजी के लिए अहम हो, उनके लिए नमाज़ तोड़ने में कोई हारज नहीं है और अहम जैसे कि आपको मालूम है कि अक्ल और अकला के नज़दीक औरफ के नज़दीक जो चीज़ अहम होती है उसके लिए नमाज तोड़ी जा सकती है इसी तरह अगर इंसान की अपनी जान की हिफाजत या किसी ऐसे शख़्स की जान की हिफाजत जिसकी जान की हिफाजत वाजिब हो ऐसे माल की हिफाजत जिसके नगहदाश्त वाजिब हो नमाज तोड़े बग़ैर मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि नमाज तोड़े और उसकी हिफाज़त करें चाहे अपनी जान हो या किसी और की जान हो या किसी आ, माल हो जिसकी कोई अर्जिश और कीमत हो जिसका जिसकी हिफाजत करना और में और अ के नज़दीक ज़रूरी समझा जाता हो उसकी हिफाजत कर नमाज तोड़ना ज़रूरी है न सिर्फ़ नमाज तोड़ना तोड़ सकते हैं बल्कि नमाज तोड़ कर उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है इसी तरह अगर कोई शख्स वसी वक्त में नमाज़ पढ़ने लगे और करर्ज़ ख़्वा उससे अपने कर्ज़ का मुतालबा करे और वो उसका कर्ज़ नमाज के दौरान अदा कर सकता हो तो ज़रूरी है कि उसी हालत में मसा जेब में पैसे हैं जेब में से पैसे निकाल कर उसे दे दे और अदा करें इसी हालत में और अगर बग़ैर नमाज तोड़े उसका कर्जा चुकाना मुमकिन न हो तो ज़रूरी है कि नमाज तोड़ दे और उसका कर्जा अदा करें और बाद में नमाज़ पढ़े। अब जबकि अर्ज हुआ कि नमाज में वक्त हो वसअत हो वक्त तंगी हो तो वहाँ पर यह मसला नहीं है बल्कि नमाज को पहले मुकम्मल करनी है और उसके बाद कर्ज को अदा करना है इसी तरह के किसी शख़्स को नमाज के दौरान पता चले कि मस्जिद नजस है और वक्त तंग हो तो ज़रूरी है कि नमाज तमाम करें और अगर वक्त वसी हो तो मस्जिद को पाक करने से नमाज न टूटती हो तो ज़रूरी है कि नमाज के दौरान नमाज की हालत में मस्जिद को पाक करें नमाज न टूटती हो तो और बाद में बाकी नमाज पढ़े और अगर नमाज टूट जाती हो मसल कबले से मुँह फिरना पढ़ता हो उसको पाक करने के लिए कोई नज़दीक ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके ज़रिए से वो पाक आ, किया जा सके आ, न, तो आ, उस सूरत में नमाज के बाद मस्जिद को पाक करना नामुमकिन हो तो मस्जिद को पाक करने के लिए उसका नमाज़ तोड़ना जायज़ है और अगर नमाज के बाद मस्जिद का पाक करना मुमकिन ना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज तोड़ दे और मस्जिद को पाक करे और बाद में नमाज़ पढ़े और इसी तरीके से जिस शख्स के लिए नमाज का तोड़ना ज़रूरी हो अगर वो नमाज को ख़त्म करे यानी जैसे कि अर्ज हुआ कि किसी की जान की हिफाजत के लिए किसी के माल की हिफाजत के लिए जिसकी अर्जिश है वद है या खुद अपनी जान की हिफाजत के अपने माल की हिफाजत के लिए नमाज को तोड़ना ज़रूरी है लेकिन एक बंदा माल चोरी हो रहा है और उसके बावजूद वो अपने नमाज को कंटिन्यू रखे और नमाज को मुकम्मल करे नमाज तमाम करे तो सूरत में वो गुनाहगार ज़रूर है लेकिन उसकी नमाज जो है दुरुस्त है नमाज बातिल नहीं है अगरचे एहतियात मस्ताब यह है कि दोबारा नमाज पढ़े एहतियात मस्ताब के बिना पर दोबारा नमाज को तकरार करें दोहराएँ यह एहतियात मस्ब के बिना पर है लेकिन वाजिब उसका अदा हो चुका है उसकी नमाज जो पढ़ी है वो नमाज दुरुस्त है लेकिन उस माल की हिफाजत न करने की वजह से या जान की हिफाजत को इग्नोर करना आ, करने की वजह से जहाँ पर उसे नमाज को तोड़नी थी उसको नहीं तोड़ी आ, उस वजह से वो गुनाहगार ज़रूर है लेकिन नमाज बातल नहीं है इसी तरह हैं अगर किसी शख्स को करात या रुकू की हद तक झुकने से पहले याद आ जाए कि वो अजान और अकामा या फ़कत अकामा कहना भूल गया है यानी अजान और अकाम कहने से पहले आ, कहे बग़ैर जो है नमाज में मशगूल हुआ है रुकू में झुकने से पहले करात से पहले उसे याद आ जाए और नमाज का वक्त वसी हो तो मस्ताब है कि आ, उन्हें कहने के लिए नमाज तोड़ दे, यानी अजान और अकामद कहने के लिए अजान और अकामत को आ, पढ़ने के लिए नमाज तोड़े ये एहतियातें मस्हब की बुनियाद पर है आ, यानी इतनी अहमियत है अज़ान की और अकामत की और उसके सवाब की और फजीलत है आ, उस फजीलत को दरक करने के लिए नमाज़ तोड़ कर अजान दें और अकामत दे और उसके बाद दोबारा नीयत करके नमाज में मशगूल हो जाए ये कर सकता है बल्कि अगर नमाज ख़त्म होने से पहले उसे याद आए कि उन्हें भूल गया था तब भी मतहब है कि उन्हें कहने के लिए नमाज़ तोड़ दें यानी नमाज़ ख़त्म होने से पहले याद आए तो भी इतनी फजीलत है अजान की और अकामत की कि अगर नमाज ख़त्म होने से पहले भी याद आए तो भी नमाज को तोड़कर कर अजान और अहामत पढ़ सकता है और अजान अकामत पढ़ने के बाद वो नमाज़ में मशगूल हो जाए ये कर सकता है इतनी फजीलत है और इतनी अहमियत है अजान की और अहामत की बस इन्हीं गुजारिशात के ऊपर इतफ़ा करते हुए परवरदिगार आलम से मेरी दुआ है खुदा हुंदा परवरदिगार हम सब को दीन मुबिन इस्लाम की मारिफत हासिल करने और कवानीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक तो, अनायत फरमा वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन